हर हर महादेव। हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। आज पूजा पाठ में उपयोगी एक ऐसी वस्तु जो कि पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान में उसका होना अति आवश्यक है। इसका उपयोग कैसे करें, इसका प्रयोग कैसे करें, इसके प्रयोग की विधि क्या है और ये क्यों उपयोग में लाई जाती है, इसके पूजा में होने के क्या फायदे हैं, इसका प्रयोग करने से क्या लाभ मिलता है और क्या हानि होती है, और इसके बिना कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है, ऐसी भी ये वस्तु है और इसका होना अनिवार्य है। और इसका होना तो अनिवार्य है ही, लेकिन इसका जो रहस्य है, इसका जो कारण है वो क्या है, इसका होना आवश्यक क्यों है, इसका जो असली रहस्य है वो क्या है, जानते हैं। पूजा पाठ में उपयोगी आने वाली ऐसी जो वस्तु है वो है घंटी बजाई जाती है। जो घंटी बजती है, मैं अवगत कराती हूं आपको, ये इस तरह से जो घंटी हम बजाते हैं तो इस घंटी का हम नाद करते हैं, छोटी बड़ी और भी अधिक बड़ी, बड़े घंटे बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े मंदिरों में जो बड़े बड़े घंटी नाद आदि जो होते हैं तो इसके क्या रीजन होते हैं। और कहीं पर जैसे मंदिरों में हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी घंटियां वहां चढ़ी हुई होती, बहुत सारी घंटियां वहां लोग कुछ मन्नत भी रखते हैं, भाई मैंने मन्नत रखी है फलाना ऐसा वैसा और हम एक घंटी चढ़ाएंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि देवताओं को जो है, इसका कारण है कि देवताओं को जो है ये घंटी जो है बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, तभी तो आप लोग जो है मंदिर में घंटी दान करते हैं या घंटी जो है मन्नत के रूप में, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना, ऐसा करना वैसा करना, तो मैं ये घंटा या घंटी चढ़ाऊंगा जो जितनी बड़ी होती है। तो इस तरह का जो विषय है तो जानते हैं। पूजा पाठ में एक तो घंटी का होना बहुत आवश्यक है। आप सुबह शाम आरती करते हैं और इसमें भी आप घंटी बजाते हैं, और इसमें हम एक चीज आपको बताते हैं कि घंटी का जो है आपके पास होना, आपके पूजा घर में होना, एक तो पहली बात है आवश्यक है। दूसरी बात, घंटी का स्नान कराया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है। कारण कारण आप देख रहे हैं कि घंटी के ऊपर ये जो प्रतीक बना हुआ, चिन्ह बना हुआ है, ये पंख है और ये गरुड़ राज है। कौन है ये गरुड़ राज होते हैं, गरुड़ राज, और ऐसी ही घंटी आपको अपने पूजा घर में रखनी चाहिए, क्योंकि नाना प्रकार का आविष्कार जो हो रहा है उससे जो है कई त्रुटियां हैं, तो उसको भी आपने एक चीज तो ये जान लेने की ऐसे स्वरूप वाली ही घंटी आपको रखनी है। और ये जो है स्वरूप आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, पहचान लिया होगा, गरुड़ राज जी है, भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़ राज, वही जो प्रतीक है। अब घंटी ये बजाई क्यों जाती है, गरुड़ राज का स्वरूप इसमें क्यों है, इसका कारण है कि घंटी की जो ध्वनि है, गरुड़ राज जब भगवान विष्णु को लेकर आकाश मार्ग में उड़ते हैं तो उस समय जो है गरुड़ राज के पंखों से वेद की ऋचाओं की ध्वनि आती थी। क्या आती थी, वेद के ऋचाओं की ध्वनि, जब उनके पंख ऐसे हिलते थे, ऐसे ऐसे चलते उड़ते, तो पंखों से क्या, वेदों की ध्वनि, ऐसा स्वर जो है पंखों से उच्चारित होता था। तो इसी का जो प्रतीक है वो आविष्कार हुआ घंटी के रूप में। ठीक इसी तरह से घंटी जैसे बज रही है, उस तरह से जो है वेद की ऋचाएं होती है, वेद वो मंत्र चल रहे होते हैं। ध्यान रखें, आप समझे चीज को, कितना लाभ है इसका। कोई ऐसे ही नहीं है कि वही घंटी बजा दी हो गया, तो इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और जब अब चूंकि आज का जो समय हो गया, तो कोई वेद मंत्र जानता नहीं, कोई वेद मंत्र पढ़ता नहीं, कहीं वेदों का कोई नाम कोई लेता नहीं है, तो हमारे घर में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है। और वेद चूंकि देवताओं को बहुत प्रिय है, यही कारण है कि देवता के मंदिर में जितनी ज्यादा घंटियां आप रखेंगे, जितनी ज्यादा घंटियां आप चढ़ाते हैं, वो यही कारण है, जितनी घंटियां बजेंगी उतने जो है वेद मंत्रों का उच्चारण होगा और देवता प्रसन्न होता है।
और हमारी पूजा पाठ की रही बात, आपके घर की रही बात, तो आपको सुबह शाम जब आप आरती करते हैं तो घंटी आप बजाते हैं, तो घंटी का बड़े आदर पूर्वक से प्रयोग करेंगे और एक तरीके से अच्छे ढंग से इसका वादन करेंगे, जैसे इनकी घंटी जो है बड़े सुंदर ढंग से आप बजाएंगे और मन में आपके ये भाव आज से बैठ जाए कि जिस समय आप घंटी बजा रहे हैं, आपके घंटी बजाने से मंत्रों में वेद मंत्रों का उच्चारण आपके घर में हो रहा है, कितनी शुभता की बात है। और घंटी के द्वारा जितनी देर तक आप घंटी बजाएंगे पूजा पाठ में, सुंदर ढंग से आप मगन हो जाएं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। दूसरा साइंटिफिक भी इसका रीजन है कि जिस समय जो घंटी जो बजती है, जब हम जोर जोर से घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस समय जो है जब घंटी की ध्वनि होती है तो हमारे जो घंटी के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, या आपका कमरा है, या दूर तक बड़े घंटी है तो बड़े दूर तक जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो वाइब्रेट हो जाता है, वाइब्रेशन हो जाती है, वाइब्रेशन हो जाती है तो इससे बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वाइब्रेशन होएगा, वाइब्रेट होएगा चारों तरफ का वातावरण तो कीटाणु नष्ट होते हैं और नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो सुबह शाम आरती पूजा में आपने घंटी इस भाव से बजानी है कि आप जो है वेद मंत्रों का उच्चारण अपने हाथों में बजाने वाली से घंटी के माध्यम से अपने घर में कर रहे हैं, आपको बहुत लाभ है। अभी से चूंकि आपको ये पता नहीं था कि घंटी का कारण क्या है, घंटी का ये प्रतीक क्यों है, तो ये जो है गरुड़राज जी स्वयं अपने पंखों के द्वारा मंत्रों का जो उच्चारण है वो भी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। इस भाव से आप, इस भावना से आप अपनी पूजा पाठ संपन्न करें घंटी के साथ, और इस घंटी का प्रयोग आप वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है इस भाव से करें। दूसरा भी मैंने तरीका आपको बता दिया कि नकारात्मक ऊर्जा जो है इससे नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रेम पूर्वक अच्छी सी सुंदर घंटी आपको अपने पास रखनी चाहिए और पूजा में स्नान आदि पूजा अर्चन इसका करना चाहिए, तिलक आदि लगाया जाता है, तो इस भांति से आप अपनी पूजा संपन्न करेंगे। और इस रीजन को आज आप जान गए तो वेद मंत्रों के साथ अपने घर में सुबह शाम खूब नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करें और सुख शांति से अपने घर में पूजा पाठ करें। हर हर महादेव।